नमस्कार दोस्तों और पशुपालक भाइयों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे पशुओं में जूं चीचड़े किलनी को किस प्रकार से दूर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानकारी देंगे आपको फ्लूमेथ्रिन 1% के रूप में जो मार्केट में मिलती है, तो उसको किस प्रकार से पशुओं को लगाना चाहिए और इसका क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों फ्लूमेथ्रिन जो मार्केट में उपलब्ध मिलती है 1% के रूप में मिलती है, और इसे पशु की रीढ़ की हड्डी पर लगाया जाता है, जैसे कि यह सबसे ज़्यादा गायों में उपयोग में ली जाती है। गायों में जो रीढ़ की हड्डी होती है पूंछ से लेकर और जो कूबड़ होता है वहाँ तक यह लगाई जाती है। इसमें क्या होता है कि दोस्तों जो फ्लूमेथ्रिन लगाई जाती है तो रीढ़ की हड्डी पर लगाने पर गाय जैसे कि चाट नहीं सकती है, ये तो इसका फ़ायदा हो गया। अगर दोस्तों गायें ज़्यादा है तो दूसरे पशु इसको चाट सकते हैं, तो इसका नुकसान भी हो सकता है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। झुंड वाले पशु में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गायें या कोई भी पशु होता है जो एक दूसरे को चाटता है तो इसका नुकसान होता है या पशु में पॉइजन की शिकायत हो जाती है। और दोस्तों इसका जैसे कि यूज़ करते हैं तो कितनी मात्रा में लगाया जाता है, तो इसका यूज़ करते हैं पर ml 10 kg बॉडी वेट के पशु पर लगाया जाता है, यानी कि यह जिस पशु का वज़न 10 kg का है या 10 किलो का है उसमें 1 ml इसका यूज़ किया जाता है फ्लूमेथ्रिन 1% का। और दोस्तों जैसे कि इसके लगाने के पश्चात में, जैसे कि एक बार लगा लिया जाता है पशु को या लगा दिया जाता है, तो उसके बाद में आपको दूसरी बार जब लगाया जाता है तो 1 महीने का टाइम तक लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। यह दवाई पशु में 1 महीने तक कार्य करती है या इससे ज़्यादा भी कर सकती है। इसे लगाने के पश्चात में पशुओं में जूं चीचड़े नहीं लगते हैं।